गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर चैप्टर नंबर 11, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। नाउ विच इज कॉल्ड द वर्क डन बाय द कॉन्स्टेंट फोर्स, आई एक्सप्लेन यू। फर्स्ट ऑफ, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ इट हैव नॉट नीड टू एनी डायरेक्शन। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड द कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स एफ ऑफ एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज ए डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क कैसे डिफाइन होता है कि कोई फोर्स एक्टिंग होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होता है, डिस्प्लेस्ड होता है, मीन्स वर्क डन। मैथमेटिकली वर्क कैन बी एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। विच इज द इक्वेशन, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। कोस थीटा मीन्स जीरो डिग्री, वैन कोस जीरो इज इक्वल टू वन, देन फोर्स इज इक्वल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज द वर्क डन। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वर्क डन, नॉन एज वर्क डन। ओके, एफ इज इक्वल टू फोर्स, डी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन। वी हैव टू सीन हियर, देयर आर थ्री थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क। वर्क के परफॉर्मेंस के लिए थ्री थिंग्स आर नेसेसरी, विच इज कॉल्ड द, देयर मस्ट बी अप्लाइड ए फोर्स, फोर्स अप्लाई होता है, देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है, वी हैव टू ऑल्सो नोन दैट, विच इज कॉल्ड द वर्क डन, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द वर्क डन, इट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। द फोर्स मस्ट हैव कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ बी सीन इन द डायग्राम वन, इन द डायग्राम वन, फोर्स इज वन न्यूटन एंड ऑब्जेक्ट हैव 15 kg। ए 100 newton फोर्स इज अप्लाइड टू द मूव ए 15 kg ऑफ ऑब्जेक्ट ए हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 5 meters एट कॉन्स्टेंट स्पीड। नेक्स्ट वन इज डायग्राम बी, वी हैव टू सीन फोर्स इज 100 newton एट डिग्री 30। अ 100 newton फोर्स इज अप्लाइड एट द एंगल ऑफ 30 टू द हॉरिजेंटल टू मूव ए 15 kg ऑब्जेक्ट एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर ए हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 5 meters। इन सेम, नाउ वी हैव टू सीन डायग्राम सी, एन अपवर्ड फोर्स इज अप्लाइड टू लिफ्ट 15 kg ऑब्जेक्ट टू ए हाइट ऑफ 5 meters एट द कॉन्स्टेंट स्पीड। सो वी हैव टू सीन ऑल थ्री डायग्राम्स। फर्स्ट डायग्राम में क्या है, 100 newton फोर्स अप्लाई किया एट 180 degree पे, सेकेंड किया 30 degree पे, और डायग्राम सी में किया 19 degree पे हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। फर्स्ट ऑफ जेम्स जूल, द मैट्रिक्स सिस्टम यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। तो एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या है, जूल है। अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द जेम्स जूल, मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी विच प्रोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन और इट्स स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजिशन। जनरली देर आर टू फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड फॉर्म इज द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज द मैकेनिकल एनर्जी। नाउ वी हैव टू सीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन, एनर्जी विच बॉडी पोसेड बिकॉज ऑफ इट्स मोशन विच अकर्स एनीवेयर फ्रॉम द एटॉमिक
level to that of whole organisms. We have to see here examples of the kinetic energy. This is not all inclusive list. First of the electrical, the movement of atoms. Electrical में क्या होता है, atom का motion हो रहा है. Electromagnetic और radiation में the movement of waves, waves का motion हो रहा है. Thermal और heat, the movement of the molecules का motion हो रहा है. Motion, the movement of the object, object का motion हो रहा है. Sound, the movement of the throb waves motion. Means it is the all are the example of the kinetic energy. It the energy in the form of motion. Engineers generally refer the thermal heat energy, energy and internal energy, and use kinetic energy strictly in reference to the motion. Jo energy motion mein hoti hai, they are known as the kinetic energy. Now we discuss about the potential energy. First off, which is called the potential energy? Stored energy is known as the potential energy, which is like that the capacity to do work by virtue of position or configuration. Capacity to do work is called energy. An object can store energy as result of its position or elastic source. Potential energy is maximum at the maximum height. Means dam में जो water को store करते हैं, means it have a potential energy. Dam में water को store करते हैं तो water में कौन सी energy होती है? Stored water में potential energy होती है. Stored water में कौन सी energy होती है? Potential energy होती है. और जो गन की बुलेट में होती है, उसमें बुलेट में भी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है. बी इट हैव एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ ऑन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म इज कॉल्ड द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड मीन्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन विच इज कॉल्ड द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन एनर्जी कन्वर्ट इनटू द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म इज कॉल्ड द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी देन आस्क मी ऑन माई कमेंट बॉक्स हैव ए नाइस डे